पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि आज, प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम का होगा आयोजन। सीएम योगी लखनऊ में कल्याण सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। गालीबास नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज, गैजा गांव में होगा महापंचायत का आयोजन, 15 लाख लोगों के पहुंचने का दावा। राम मंदिर निर्माण समिति की आज भी होगी बैठक, पहले दिन की बैठक में जारी मंदिर की तस्वीर, 2023 तक मंदिर के भूतल निर्माण का लक्ष्य। सूखे पर सीएम योगी की अहम बैठक के बाद किसानों के लिए बड़ा ऐलान, नहीं कटेंगे अन्नदाताओं के बिजली कनेक्शन, ट्यूबवेल की तकनीक खराबी को 24 से 36 घंटे के भीतर ठीक करने के निर्देश। सपा ने एमएलसी चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी किए घोषित, इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन से एसपी सिंह पटेल, तो वहीं मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक निर्वाचन से शिव प्रताप सिंह बनाए गए प्रत्याशी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स अस्पताल में भर्ती घायल आपदा प्रभावित लोगों का हालचाल जाना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ रहे मौजूद। बहराइच में गैंगरेप का आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार, बीजेपी नेता का आरोपी रिश्तेदार भी गिरफ्तार, नाबालिग लड़की ने दोनों पर लगाया था गैंगरेप का आरोप, पीड़ित ने बीजेपी सांसद के सामने रोक कर सुनाई थी अपील। कानपुर में बाइक चोरी कर रहे युवक को पब्लिक ने पीटा, थाने के बाहर से जीटी रोड पर निकाला गया जुलूस, निजी अस्पताल के बाहर से वाहन कर रहा था चोरी। मुरादाबाद में सड़कों पर उतरे जाति मुक्त भारत मोर्चा के कार्यकर्ता, राजस्थान में दलित छात्र की मौत का विरोध किया, डीएम के माध्यम से राजस्थान सरकार के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। जालौन में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, 6 सदस्य टीम का अस्पताल में कोविड की तैयारी को लेकर लेगी जायजा। प्रतापगढ़ में बवंडर तूफान का कहर, तूफान के दौरान पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत, ग्राम प्रधान समेत 1 दर्जन लोग तूफान के दौरान हुए घायल, 2 दर्जन गांव में आया था बवंडर तूफान। हमीरपुर में महिला जज ने लगाया छेड़खानी का आरोप, जिला कोर्ट के वकील हारून पर छेड़खानी का आरोप, महिला जज की शिकायत पर आरोपी वकील पर केस दर्ज, इवनिंग वॉक के दौरान भद्दे भद्दे कमेंट पास करने का भी आरोप। सीतापुर में स्कूल के अंदर शिक्षक का ड्रामा, पेट्रोल लेकर देता रहा खुदकुशी की धमकी, प्रधानाध्यापिका ने छीनी पेट्रोल की बोतलें, प्राथमिक विद्यालय सरोरा कला का मामला, शिक्षक पर बच्चों की पिटाई का आरोप। जालौन में दिव्यांग दलित युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट, दिव्यांग युवक को जान से मारने की धमकी दी, पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, एसपी ने आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। लखनऊ में कांग्रेसी नेता जावेद अहमद 16 अगस्त से लापता, पत्नी और बेटे ने पुलिस को दी सूचना, हाल ही में ली थी कांग्रेस की सदस्यता, पुलिस तलाश में जुटी। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में बड़ी चूक, चनाया घाट पर काफिले को पटरी दुकानदारों के समूह ने रोका, नगर निगम और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी आज गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट की कार्रवाई पर बोले माफिया हूं या न मसीहा, जनता तय करेगी, ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित। बिजनौर में धामपुर से जुड़े उत्तराखंड आयोग परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के तार, एसटीएफ ने गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, 2 अभी भी रडार पर। जौनपुर में रिहायशी इलाके में घूमता हुआ दिखा तेंदुआ, तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, वायरल वीडियो सिकरारा थाना क्षेत्र के मनशाहपुर गांव का बताया जा रहा है। कानपुर में कल होने वाले बाम सेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम की सभा का विरोध, कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मैं ब्राह्मण हूं महासभा के कार्यकर्ताओं ने अनुमति रद्द करने की रखी मांग, कहा अमन शांति के लिए कार्यक्रम हो रद्द। बस्ती में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, कांवड़ मेले के दौरान बिजली कटौती करने वाला जीई निर्मल कुमार सस्पेंड, डीएम के साथ बैठक में डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश। मेरठ में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली एस्ट्रॉइड बरामद, 40 लाख से ज्यादा कैश भी मिले, नोट गिनने के लिए मंगाई जा रही है मशीन।